हम लोग का 7 साल का रिलेशन था। उसके बाद शादी के लिए घर से सब चीज सहमति थी, फिर जब शादी के लिए इनकार कर दिया तब मैं FIR कराने के लिए सिविल लाइन गई। वहां से FIR हुआ है और FIR में ये सितंबर में FIR हुआ है, सितंबर के FIR में प्रेगनेंसी रिपोर्ट नहीं आया था। और जबकि मैं अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, जबकि अभी अभी दिसंबर 1-2 तारीख की मैं जब थाने में बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो लोग बोले कि तुम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, हम लोग की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम न्यायालय जाओ। और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए कुछ निर्णय हो, वरना मैं क्या करूँगी, 5 महीने की प्रेग्नेंट और अपने घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे पास तो मरने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जैसे भी हो, बस मेरा न्याय हो जाए मेरे साथ। मैं नहीं जानता बोला कि वो मेरे को नहीं पता इसके बारे में। उसकी शादी हो रही है 4 तारीख को, उसके घर वाले उसकी शादी करा रहे हैं। और मैं इस बात को भी पुलिस थाने में बताई हूँ, सिविल लाइन में, तो उनका कहना है कि इसकी जिम्मेदारी हम लोग शादी सगाई की करवाने का जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेते। तो ये तुम अगर शादी कर रहे हो उसका पर्सनल मैटर है, वो तो वो शादी कर सकता है, वो जाने का, और आप लोग देख लो ऐसा करके। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे को अकेले में कैसे संभालूंगी, तो मेरे लिए कुछ तो ऑप्शन कोर्ट निकाले या फिर यहाँ से जहाँ से भी हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सही हो बस, ताकि उस बच्चे को और मुझे न्याय मिल सके। उसकी शादी हो जाएगी तो फिर तो मैं किसी कहीं रहकर किसी भी जगह की लायक ही नहीं रही हूँ। और मैं इस बात को मेरे घर पर भी किसी को नहीं पता,